I really hope that you all are doing great. And today we will discuss our new lesson, that is 7S framework. Okay, 7S framework किसने दिए हैं? M.C. Kinsey ने दिए हैं. आज अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 7S framework कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 7S framework है क्या. ये एक मैनेजमेंट मॉडल है जो कि डेवलप किसने किया है, बिजनेस कंसल्टेंट ने डेवलप किया है. उनका नेम क्या है? रॉबर्ट एच वॉटरमैन, ओके, एंड टॉम पीटर्स. इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, एम.सी. किन्ज़े 7S framework को. और इसका दूसरा नाम क्या है? MBWA, means management by walking around, ओके. एंड this was a strategic vision for the group to include the business, business units and the teams. 7S के अंदर और क्या include होगा? अब हम name learn करते हैं 7S के. First is structure, second is strategy, third is system, fourth is skills, fifth is styles, sixth is staff and seventh is shared value. Okay, these are the 7S. ओके, अब हम एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, स्किल्स क्या है, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर वैल्यू के बारे में. एम.सी. किन्ज़े 7S फ्रेमवर्क एक मैनेजमेंट मॉडल है, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया है बिजनेस कंसल्टेंट के थ्रू. और उसका नेम क्या है? रॉबर्ट एच वॉटरमैन एंड द टॉम पीटर्स. और एम.सी. किन्ज़े के जो 7S फ्रेमवर्क है उसका हम सेकेंड नेम क्या बोलते हैं? MBWA, दैट इज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, ओके. एंड 7S कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड वैल्यू. इन्हीं 7S को हमने टू एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज द हार्ड एलिमेंट एंड सेकेंड इज द सॉफ्ट एलिमेंट. अब हम देखते हैं कि हार्ड एलिमेंट के अंदर कौन कौन से आएंगे. हार्ड एलिमेंट्स के अंदर आएंगे फर्स्ट थ्री, दैट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड द सिस्टम, ओके. स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और सिस्टम, ये क्या है? हार्ड एलिमेंट है. और सॉफ्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? शेयर्ड वैल्यू एंड स्टाफ, स्टाइल एंड स्किल, ये हमारे सॉफ्ट एलिमेंट है. लेट अस सी इन डिटेल. डिटेल में जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये 7S फ्रेमवर्क है इनका यूज कहाँ कहाँ होता है. एक तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. सेकंड, ये एग्जामिन करता है लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर चेंज विद इन द कंपनी, की कंपनी में कौन कौन से फ्यूचर चेंज होंगे, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनको डिस्कस करता है. नेक्स्ट, अलाइन द डिपार्टमेंट एंड प्रोसेस ड्यूरिंग ए मर्जर और द एक्विजिशन. और जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मीन्स जो मर्जर हो रहा है या एक्विजिशन हो रहा है, वहां पर भी ये जो 7S है वो बड़े ही यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट, डिटरमाइन करते हैं कि हाउ बेस्ट टू इम्प्लीमेंट ए प्रपोज स्ट्रेटजी, कैसे हम एक इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे हम एक प्रपोज स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सके बेस्ट वे से. एंड अब हम देखते हैं कि हार्ड एलिमेंट में पहले बता चुकी हूँ आपको स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम. अब फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होते हैं. ये एक पर्पज होता है बिजनेस का एंड द वे द ऑर्गेनाइजेशन सिक टू एनहांस द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके. स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ द फर्म्स के रिसोर्सेज टू रीच द आइडेंटिफाइड गोल इन ए टाइम, कि हम प्लान बनाएंगे कि जैसे कि जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं फर्म की, कैसे कैसे एलोकेट करना है और किस वे से हम एक जो हमारा आइडेंटिफाई गोल है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, दैट इज स्ट्रेटजी. कहते हैं ना कि हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे को पहले से एक प्लान बनानी है, एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हम हमारा जो गोल है वो अचीव कर सके, दैट इज कि हम हमारे बिजनेस के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके, दैट इज द स्ट्रेटजी. दैट मीन्स प्लान फॉर द एलोकेशन ऑफ द फर्म्स की रिसोर्सेज टू रीच द आइडेंटिफाइड गोल्स इन ए टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटजी. सेकेंड इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ द एक्टिविटी, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा वे जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट्स है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट किस तरीके से है, रिलेट टू ईच अदर. सेंट्रलाइज, फंक्शनल डिवीजन. फंक्शनल डिवीजन मीन्स टॉप डाउन. डिसेंट्रलाइज, दैट इज लार्ज होल्डिंग. मैट्रिक्स, नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर बता दिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होता है बेसिकली.
फोर या फाइव टाइप्स का, दैट इज सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, फंक्शनल और डिविजनल मैट्रिक्स एंड नेटवर्क. कई सारे टाइप्स हैं इसके. बेसिकली मेन मेन मैंने टाइप्स बता दिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी को डिवाइड करना और जो ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट है, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कई सारे टाइप्स हैं, लाइक एज द सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स एंड नेटवर्क. थर्ड इज द सिस्टम. सिस्टम मीन्स फॉर्मल प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट, रिवॉर्ड एंड द रिसोर्स एलोकेशन. मीन्स क्या फॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है कि किस वे से हमारे को रिवॉर्ड देना है एम्प्लॉयज को, किस बेस पे देना है, कि एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, कौन सा प्रोसीजर, कौन सा फॉर्मल प्रोसीजर है वो हम सिस्टम के अंदर चेक करेंगे. ओके, मीन्स सिस्टम के अंदर हम देखेंगे प्रोसीजर, प्रोसेस एंड द रूटीन दैट करेक्टराइज हाउ वर्क इज टू बी डन. फाइनेंशियल सिस्टम, हायरिंग प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजर. ओके, सिस्टम के अंदर हमने सब चीजों को देखना है कि कैसे काम को करना है, हाउ वर्क इज टू बी डन. फाइनेंशियल सिस्टम को उसके अंदर हम चेक करेंगे, हायरिंग प्रोसीजर को चेक करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करेंगे और पीए को चेक करेंगे. पीए दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजर. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द हार्ड एलिमेंट्स ऑफ द एमसीकेएनजी 7S फ्रेमवर्क. ठीक है, हार्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम. अब हम बात करते हैं सॉफ्ट एलिमेंट के बारे में. सॉफ्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे? सॉफ्ट एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको हार्ड एलिमेंट के बारे में. हार्ड एलिमेंट होते हैं वो इजी वे में डिफाइन हो सकते हैं, इजियर टू डिफाइन, और आइडेंटिफाई एंड मैनेजमेंट कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस देम. उसमें जो मैनेजमेंट है वो इजी वे से उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है. दीज आर द स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, रिपोर्टिंग लाइन, फॉर्मल प्रोसेसर, आईटी सिस्टम. ये सभी का सभी आईटी हार्ड एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होता है. बट सॉफ्ट एलिमेंट कौन से होते हैं? वो डिफिकल्ट होते हैं डिस्क्राइब करने में, और जो दिखते भी वो कम है, लेस टेंजिबल होते हैं एंड मोर इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर. हाउएवर दीज सॉफ्ट एलिमेंट आर एज इम्पोर्टेंट एज द हार्ड एलिमेंट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. बेसिक सा डिफरेंस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हार्ड एलिमेंट है उनको डिफाइन करना इजी है, बट जो सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं उनको डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. ठीक है, हार्ड एलिमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम. स्ट्रेटजी मीन्स बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, कौन सा स्ट्रक्चर देखना है एंड क्या सिस्टम अडॉप्ट करना है, कौन किस वे से उनको रिवॉर्ड देना है हमें अपने एम्प्लॉयज को, क्या हायरिंग प्रोसीजर रखना है, क्या फाइनेंशियल सिस्टम रखना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होगा. लेकिन जब हम सॉफ्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, कितना स्टाफ हमारे को हमारी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी स्टाइल हमें अडॉप्ट करनी है, दैट इज सॉफ्ट एलिमेंट. अब हम डिस्कस करते हैं स्किल्स में क्या देखेंगे. ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज एंड डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी देखेंगे और कॉम्पिटेंसीज को देखेंगे. स्टाफ में हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स, डेमोग्राफिक, एजुकेशनल और एटीट्यूडनल करेक्टरिस्टिक्स, इन सब को देखेंगे. स्टाफ को जब हम हमारी कंपनी के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें सब चीजें उसके अंदर ध्यान में रखनी है कि उसका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एटीट्यूडनल करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, ये हम देखेंगे हमारे स्टाफ के अंदर. नेक्स्ट बात करें हम स्टाइल, टिपिकल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द की ग्रुप सच एज ए मैनेजर एंड द अदर प्रोफेशनल्स. Is it clear now? Soft element, shared value means what does the organization stand for and what it believes in the central belief and the attitude. That is called the shared value. Next is the skill. Skill means distinctive capability of the personal or the organization as a whole. कि हम देखेंगे कि capability personal की क्या है और एक organization की क्या है. Next, staff. कितने number और कितने type of personal हमारे को एक organization के अंदर नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट स्टाइल, कल्चरल स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ की मैनेजर बिहेव इन अचीविंग द गोल, और कैसे मैनेजर बिहेव कर रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए. दैट इज ऑल अबाउट द हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट. क्लियर हो गया? फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो बेसिक क्या.
डिस्कस किया है, 7S फ्रेमवर्क किसने दिए हैं, एमसी किन्जी ने दिए हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली दो एलिमेंट पढ़े हैं, हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट। हार्ड एलिमेंट के कौन कौन से टाइप है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड सिस्टम। क्वेश्चन इसी में से ही आ जाता है कई बार कि 7S के नेम बताओ, तो आपको ध्यान होना चाहिए 7S के नेम है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाफ एंड स्टाइल। ओके, और ये दोनों को ध्यान रख लेना, जो फर्स्ट थ्री है वो तो हार्ड एलिमेंट है, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, बाकी के कैसे एलिमेंट है, सॉफ्ट एलिमेंट है, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाफ एंड स्टाइल। ओके, एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माई लेसन्स एंड ऑल्सो फॉलो माई प्रोफाइल। इफ यू फॉलो माई प्रोफाइल देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन इफ न्यू लेक्चर इज अपलोडेड। थैंक यू।